उधर हरियाणा के नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। खदेड़ दिया हरियाणा से जो मजदूर यमुनानगर से होते हुए यूपी में जा रहे थे, यूपी ने डंडे मार के उनको वापस हरियाणा में खदेड़ दिया, फिर हरियाणा पुलिस ने भी उनको पीटा। मैं ये समझता हूँ कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार हो तो तालमेल नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ये मजदूरों के साथ इतनी जाती क्यों होती है? क्या सरकारें संवेदनशील नहीं होती? देखिए सरकार किसी के हो सवाल इस बात नहीं है, लड़ाई सारी मिलके लड़ रहे हैं। और ये मैंने शुरू में कहा था, जो प्रवासी मजदूर हैं, अवमानिया भी जो मानवीय जो अवमानिय जो व्यवहार हुआ है वो नहीं है, यहाँ नहीं, अम्बाला में नहीं, गुड़गांव में भी ऐसा हुआ, यूपी के ऊपर भी ऐसा हुआ। अरे ये तो पहले तकलीफ के मारे हुए हैं, बेचारे मजबूरी में भूखे पैसे जा रहे हैं, इनको तो सुविधा देनी चाहिए। वो तो देशवासी है, हमारे भाई हैं, वो इस देश के निर्माता हैं, देश का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, देश के निर्माता हैं, उनको उतना ही सम्मान। कोई घर जाना चाहता है तो उसको सरकार की जिम्मेवारी है। चंद्रशेखर धरनी जी, पंजाब केसरी। हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये है, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। हुड्डा साहब, वैसे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब बंद किए हुए हैं दौरान, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सभी धार्मिक संस्थान भी बंद है, लेकिन एक हरियाणा की राज्य मंत्री है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मंदिर खुलवाया जाता है, मंदिर में माथा टेका जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है जी, जिम्मेवार पद पे बैठा उसको जिम्मेवारी से ही काम करना चाहिए। मैं हूँ, वो हो, ए हो, बी हो, मैं भी तो घर बैठा हूँ, क्योंकि ये कह दिया उन्होंने, कह दिया 65 साल से ऊपर से बाहर मत निकलो, तो जिम्मेवारी से ही सबको काम। हाँ जी, सुरेंद्र धमान जी एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। हुड्डा साहब, ये जो शराब घोटाला, अब तो आपने बहुत दिनों से पढ़ लिया होगा, इसमें एससीटी भी गठित होगी, और शराब घोटाले पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ ये जो घोटाला हो रहा है इसमें विपक्ष के नेता के नाते आप क्या मांग करते हैं? देखिए मैंने तो पहले दिन कहा था कि शराब बंद हुई, हमने तो पहले दिन कहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद शराब बंद की गई, और फिर यूपी में भी खुली, दिल्ली में भी खुली, शराब के ठेकों के सामने लंबी लंबी लाइन लग गई, वहां यूपी और दिल्ली में लाठीचार्ज तक करना पड़ा ठेके बंद करने पर, हरियाणा में कोई लाइन नहीं लगी। इसका कारण एक ही था कि तस्करी पूरी जोर से चल रही, और ये इतने लेवल की तस्करी चल रही हो और सरकार आंख बूंद कर बैठी हो तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। किसी वरिष्ठ आप क्या चाहते हैं इसमें क्या हो जब इतनी बड़ी तस्करी हुई है? अब तो ये इन्होंने बना SIT बनाई है, लेकिन अगर SIT बनाई करो, सॉरी, हाँ जी, अब SIT की रिपोर्ट देखेंगे। मैं खाली किसी ऊपर दोष करने के लिए नहीं बोलता, खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता। SIT की रिपोर्ट देखूंगा, अगर वो तसल्ली बख्श नहीं हुई तो फिर हम डिमांड करेंगे कि ऐसी एजेंसी से कराई जाए या हाईकोर्ट के जज से कराई जाए, पहले मैं उसकी रिपोर्ट देखूंगा, ठीक है। रिपोर्ट आने वाली है। किसी वरिष्ठ साथी पत्रकार का और कोई प्रश्न हो? एक हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है, शायद आपने उसका दूसरा जवाब दिया था, ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के अभी एक साथी पूछ रहे थे, दरअसल 12,000 कनेक्शनों के लिए एप्लीकेशन आई थी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन अभी तक सरकार ने 4,000 को ही मंजूरी दी है, और उसमें भी मोटरें वो कह रहे हैं कि सरकार ही अपने मोटरें देंगी, तो